नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, वर्ष 2021 बीत गया और वर्ष 2022 में हम आगे भी बढ़ चुके हैं। पिछले दो वर्षों में कोरोना महामारी के कारण हमारे जीने का अंदाज बदल गया। अब हमारा अधिकतर समय अपने फोन के साथ बीतता है और हम इंटरनेट पर ही सिनेमा देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मनोरंजन के दूसरे साधन ढूंढते हैं और उन सब से बढ़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं, यह जानने के लिए कि कौन सी खबर वायरल हो रही है, किसका कौन सा डांस, कौन सा गाना और कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में सबसे अधिक वायरल हुए उन पांच लोगों से मिलने वाले हैं जिन लोगों ने केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रातों रात वायरल हो गए। तो पेश है वर्ष 2021 के टॉप 5 वायरल सेंसेशंस। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सहदेव दिर्दो की। एक युवा लड़के ने अपने क्लास में एक स्थानीय गीत गाता है और दो साल बाद वह गीत इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, सनसनी बन जाता है। सोचने में ये असंभव लगता है, लेकिन सहदेव दिर्दो के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उनके टीचर द्वारा शूट किए गए 2019 के एक वीडियो में सहदेव को बचपन का प्यार के लिए अपना सब कुछ देते हुए दिखाया गया, जो सुपर डुपर हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ। इस गाने को मूल रूप से गुजराती लोक गायक कमलेश बरोट ने गाया था। इस गाने में युवा दिर्दो ने बचपन को बसपन BASPAN के रूप में उच्चारण किया और यही उच्चारण एक वायरल हो गया, सनसनी बन गया। जल्द ही ये वीडियो इंटरनेट पर छा गया। रैपर बादशाह और गायिका आस्था गिल ने इस गीत को दिर्दो के साथ रिमिक्स किया, जिसे मिनटों के भीतर 5 लाख लोगों ने देखा। उसके बाद दिर्दो इंटरनेट पर छा गया। रियलिटी शो में उसकी मांग होने लगी। कपिल शर्मा और भारती सिंह सहित कई हस्तियों ने अपने गाने और वीडियो में दिर्दो के गाने का इस्तेमाल किया। दिर्दो की शोहरत ऐसी थी कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने उसका अभिनंदन किया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के वायरल सेंसेशन की, जिसका नाम है दनानीर मोबिन। अगर ये कहा जाए कि मोबिन की चंद सेकंड की वीडियो क्लिप पावरी हो रही है, वर्ष 2021 में भारतीय और पाकिस्तानियों को एकजुट करती है, तो गलत नहीं होगा। उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ियों में शूट किया गया एक छोटा सा वीडियो क्लिप में युवाओं के एक समूह को सड़क के किनारे आनंद लेते हुए दिखाया गया है, जो वीडियो में मोबिन के पीछे इशारा करते हुए कहते हैं, ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी पौड़ी हो रही है। यानी ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। वीडियो में पार्टी शब्द को पावरी के रूप में उच्चारण करना ही इस वीडियो को वायरल बना दिया। वीडियो ने तुरंत भारत और पाकिस्तान दोनों में धूम मचा दी और जल्द ही क्या डॉक्टर, क्या नेता और क्या सैनिक, हर मशहूर हस्ती पावरी हो रही है के ट्रेंड में शामिल हो गए। दोस्तों, अब पाकिस्तान के बाद सीधे चलते हैं श्रीलंका, जहां श्रीलंकाई गायिका और गीतकार युहानी डिलुका डिसिल्वे ने साबित कर दिया कि अच्छे संगीत में कोई भाषा बाधा नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने सतीशन रत्नायक के साथ सिंगली सुपरहिट गाना मानिके मागे हिते के जरिए पूरी दुनिया का मनोरंजन किया। इस गाने ने अभिनेताओं
जैसे माधुरी दीक्षित, परिणीति चोपड़ा और टाइगर श्रॉफ का ध्यान खींचा, जिन्होंने इसके ताल पर नृत्य किया। इस गीत को कई भाषाओं में डब किया गया। इस गीत ने न केवल योहानी को रातों रात स्टार बना दिया, इस साल 28 वर्षीय योहानी ने फिल्म थैंक गॉड के लिए इसके हिंदी संस्करण को गाकर बॉलीवुड यात्रा शुरू की, जिसमें अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह हैं। चौथा वायरल सेंसेशन का नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क, आप सब जानते हैं कि एलोन मस्क दुनिया भर के चुनिंदा रईसों में से एक है और ये स्पेस में रुचि रखने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और वर्ष 2021 के लिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ने न केवल ऑटोमोबाइल और इनोवेशन की दुनिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना दबदबा बनाया। हालांकि उनके आसपास के सभी चर्चा सकारात्मक नहीं थे, चाहे वो इनके ट्वीट से हों जिन्होंने शेयर बाजार को प्रभावित किया, या एलिजाबेथ वारेन और बर्नी सैंडर्स के साथ कर सुधारों पर उनके ट्विटर विवाद ने नेटिजन्स को काफ़ी परेशान किया था। लेकिन उनकी सोशल मीडिया हरकतों ने इतनी खबरें बनाई कि एक समय पर उन्होंने नौकरी छोड़ने और फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाने के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया था। अब पांचवा और आखिरी नाम है खैबी लैम का। वर्ष 2021 में ही खैबी लैम दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले टिकटॉकर बन गए। वर्ष 2020 में महामारी के कारण नौकरी से निकाले जाने के बाद वर्ष 2021 में 21 वर्षीय खैबी मैलम ने टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उनके वीडियो जो कमोबेश एक ही पैटर्न के होते हैं, जो लाइफ हैक्स का मजाक उड़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खैबी लैम के अधिकांश वीडियो में शायद ही कोई संवाद या स्पेशल इफेक्ट होता है और शायद यही सादगी के कारण ही लोग उनके वीडियो को पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वर्ष 2021 के पांच टॉप वायरल सेंसेशंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।